हेलो दोस्तों, भारतीय एयरटेल के अंदर अभी यानी आज के दिन 29 अगस्त के दिन कंपनी की ओर से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट डिक्लेयर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 4 PM को कंपनी का एक बोर्ड ऑफ मीटिंग अरेंज किया गया था। उनमें कंपनी ने एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग का प्लान डिक्लेयर किया है। आज की डेट में आप देख सकते हो रेट है ऑलमोस्ट 600 रुपीस के करीब। सो यहाँ बात कर सकते हो कि आज के दिन ये दो अनाउंसमेंट आए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ कंपनी की ओर से 21,000 करोड़ का राइट इश्यू अनाउंसमेंट किया गया है, जहाँ आप देख सकते हो कि राइट इश्यू का जो प्राइस है वो 10% डिस्काउंट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस रखा गया है। इन टर्म्स ऑफ हम पेमेंट की बात करें तो अप फ्रंट 25% पेमेंट करनी पड़ेगी और आने वाले 3 साल के अंदर अंदर कंपनी रिमेनिंग जो 75% जो बैलेंस अमाउंट है उसका 2 पार्ट के अंदर उसका कॉल का पेमेंट होगा। उसके बाद हम बात करें राइट इंटाइटलमेंट रेशियो की, तो एवरी 14 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर एंटाइटल टू गेट 1 शेयर ऑफ द राइट इश्यू। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा न्यूज हम बोल सकते हैं। काफी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आज के दिन एक्चुअली प्रमोटर की आज मीटिंग खत्म होने के बाद 21,000 करोड़ का ये पर्टिकुलर इश्यू आया है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि एक स्पेशल वर्ड की वर्ड अलर्ट यूज किया गया है, जिसको लेकर आप बोल सकते हो कि राइट्स बेजिस यानी प्रमोटर का फुल पार्टिसिपेशन है पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपको एडिशनल जो भी अमाउंट का आप डिमांड करने जाओगे तो उसमें भी एक बहुत बड़ी कंपटीशन होने वाली है। बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज हम बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल की काफ़ी सारी 5G स्पेक्ट्रम की भी पेंडिंग पेमेंट भी अभी करना बाकी है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो प्लान है 21,000 करोड़ की अभी जो रेजिंग फंड होने वाली है, जिसको लेकर पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा तेजी का माहौल बनने वाला है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि भारतीय एयरटेल का जो रेट है ऑलमोस्ट 630 के लेवल से वापस डाउन आ चुका था। यहाँ आप देख सकते हो द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप विल कलेक्टिवली सब्सक्राइब द फुल एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीगेट राइट्स, इन एडिशन दे विल ऑल्सो सब्सक्राइब टू एनी अनसब्सक्राइब शेयर्स इन द इश्यू। सो कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर का फुल पार्टिसिपेशन है पर्टिकुलर राइट इश्यू के अंदर होने वाला है, जिसको लेकर हम एक बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ आप डेली के चार्ट पे नजर करते हो तो ऑलमोस्ट 640 के लेवल से भारतीय एयरटेल का रेट वापस दोबारा डाउन आ चुका था। काफी बार ऐसा न्यूज भी आया था कि कुछ फंड राइजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट होने वाला है, बट आज कंफर्म न्यूज हो चुकी है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में अगेन दोबारा तेजी का माहौल ये पर्टिकुलर काउंटर में मंडे से बनने वाला है, और भारतीय एयरटेल जो कि आज के दिन 593 रुपीज पे चल रहा है, जिसको लेकर आज 21,000 करोड़ का टोटल फंड राइजिंग कंपनी को एक बहुत बढ़िया मदद मिलने वाली है, और जिसको लेकर कंपनी की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्मूथ हो जाएगी और आने वाले टाइम में भारतीय एयरटेल का काफ़ी सारा मतलब अच्छे दिन भी हम बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ राइट इश्यू के लिए आपके पास 14 शेयर्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आपको 1 शेयर मिलने वाला है, और यहाँ हम एडिशनल शेयर्स की डिमांड कर सकते हैं। बट बेसिकली प्रमोटर ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो भी उसके लिए भी वो सब्सक्राइब कर सकता है। सो बेसिकली ये डायरेक्टली लिंक्ड होगा प्रमोटर स्टेक के साथ। प्रमोटर होल्डिंग आज की डेट में 56% दिख रही है, वो आगे जाके शायद इंक्रीज भी हो सकती है ड्यू टू अनसब्सक्राइब ऑफ द इश्यू। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मिनिमम 14 शेयर्स आपके होल्डिंग में है तो आपको 1 शेयर राइट में मिलेगा, और आने वाले टाइम में आप राइट शेयर्स में ज़्यादा शेयर्स की भी डिमांड कर सकते हो। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर मंडे के दिन यानी कल के दिन एक बहुत बड़ी भारतीय एयरटेल के अंदर दिखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ CPR के अंदर भी आप देखते हो तो भारतीय एयरटेल के अंदर एक नैरो CPR रेंज में अभी CPR ट्रेड हो रहा है, जिसको लेकर कल के दिन एक बड़ा ब्रेकअप के साथ अपर बैंड पे वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास भारतीय एयरटेल के अंदर कोई भी पोजीशन से तो आप मेक श्योर आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। आने वाले टाइम में भारतीय एयरटेल के अंदर हमको काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखने को मिलेगी,
और आने वाले टाइम में अगेन 52 वीक हाई भी इजीली आप बनने का पूरा उम्मीद हम कर सकते हैं। बस इसी के साथ आज के दिन राइट इश्यू का न्यूज़ कंपनी की ओर से ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और यहां आपको राइट मिलने वाला है 14 शेयर्स पे 1 शेयर्स का 535 उसका रेट है, 10% करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट किया गया है, 25% का आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा और जो प्रमोटर है वो फुल सब्सक्राइब करने वाले हैं, वो भी उसमें साफ साफ लिखा है और राइट बेसिस पे इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बार 21,000 करोड़ का इश्यू है और डिमांड आ जाती है 60,000 करोड़ की, सो अनसब्सक्राइब पोर्शन जो भी है वो जो एडिशनल डिमांड किया हुआ है उसको राइट बेसिस पे मिलेगा। सो इसी के साथ हम आज की भारतीय एयरटेल की अपडेट यहीं समाप्त करते हैं।